मेरा नाम है परवेज अहमद और आप देख रहे हो टेक्निकल परवेज। तो सबसे पहले आज है हमारे पास रेडमी 12S। तो आज हम इसके फीचर के बारे में बात करेंगे और इसकी जो डिज़ाइन है और भी सारे चीज़ें के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डिस्प्ले की बात करते हैं, जो कि डिस्प्ले की साइज़ है 6.43 इंच, जो काफ़ी ठीक है। अगर हम इसकी बैक कवर की बात करें तो बैक कवर इसका ग्लास है, जो कि बहुत सारे में प्लास्टिक आता है, लेकिन ये एक ग्लास है और काफ़ी स्मूथ भी है। और आप देख सकते हो इसके कैमरे के डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो कैमरे के डिज़ाइन काफ़ी कूल लग रहा है। और जो साइड साइड से आप देख रहे हो, ये इसका जो मिडिल फ्रेम है ये है प्लास्टिक का, और इसमें एक साइड में फिंगरप्रिंटर दे रखा है आप देख सकते हो, और यहाँ पे भी वायरिंग दे रखा है, और इसमें दो माइक दे रखे हैं और दो स्पीकर। जो कि माइक की अगर मैं बात करूँ तो माइक है एक प्राइमरी और सेकेंडरी, और इसमें दे रखा है जो साउंड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो साउंड है स्पीकर, इसमें दो स्पीकर दे रखा गया है। और अगर हम इसकी जो साउंड है स्टोरो साउंड है और काफ़ी ठीक ठाक है, ज़बरदस्त है। मैं इसमें कुछ प्ले करके देखता हूँ। तो आप इसकी साउंड देख सकते हो कि जो काफ़ी ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की फीचर की, जो कि इसका डिस्प्ले है एमोलेड। और अगर हम इसकी नॉर्मल निट्स की बात करें तो 700 निट्स के साथ आता है, अगर हम इसकी पूरे पीक की बात करें तो 1000 निट्स के साथ आता है। जैसे कि अभी ये नॉर्मल है तो मैं इसका ब्राइटनेस बढ़ा रहा हूँ, जो कि तो ये पूरे 1000 निट्स के साथ आता है और काफ़ी ठीक है। अगर हम इसके डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट की बात करें तो डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट है 90 हर्ट्ज़ के साथ आता है, 90 हर्ट्ज़ के साथ आता है, जो कि ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका डिस्प्ले का निट्स, डिस्प्ले का जो रिफ्रेश रेट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखा गया है, एक तो 60 हर्ट्ज़ और दूसरा है 90 हर्ट्ज़ के साथ। तो हमने 90 हर्ट्ज़ पे करके इसको यूज़ कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी स्मूथ चल रहा है। अब हम बात करते हैं इसके कैमरे की। तो इसका कैमरा 108 मेगापिक्सल के साथ आता है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है इसके कैमरे। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें तीन कैमरे दे रखे गए, तीन कैमरे हैं जो कि वाइड और अल्ट्रा वाइड और माइक्रो, तीन कैमरे हैं। जो कि टोटल अगर हम बात करें तो इसकी कैमरे की स्ट्रेंथ 108 मेगापिक्सल के साथ आता है। और अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल, जो काफ़ी स्मूथ है। मैं आपको कुछ पिक्चर्स शूट करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा एक 1x पे है, अब हम थोड़ा 2x पे भी दिखाते हैं आपको। ये हो गया 2x, ये जैसा कि आप देख रहे हो ये है हमारा 1x पे, और यहाँ पे है हमारा 2x, जो कि काफ़ी ठीक है और काफ़ी अच्छा भी है। अब हम थोड़ा सा फ्रंट कैमरे की चेक कर लेते हैं, फ्रंट कैमरे में क्या है कैसा है। तो आप देख सकते हो इसका जो फ्रंट है काफ़ी ज़बरदस्त है फ्रंट कैमरा। अब हम थोड़ा सा पोर्टेबल मोड में भी एक आप पिक्चर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि कैसा इसका पोर्टेबल है। तो पोर्टेबल भी आप देख सकते हो, पोर्टेबल भी काफ़ी ठीक है और अच्छा भी है। तो हम इसमें थोड़ा सा फ्रंट का भी एक बार चेक कर लेते हैं कि तो फ्रंट का भी ठीक ठाक है और पोर्टेबल, जो कि आप देख सकते हो इसमें प्रो है, डॉक्यूमेंट है, वीडियो है। अब हम थोड़ा सा वाइड एंगल में चेक कर लेते हैं। क्योंकि वाइड एंगल का जो फोटो है वो काफ़ी क्लियर एंड क्लीन है आप देख सकते हो। और दूसरा जो है वो है, आपको मैं दिखाता हूँ दूसरा इसमें वाइड एंगल में। ये भी आप देख सकते हो जो कि लेंस में काफ़ी ज़बरदस्त इसकी फ़ोटो आ रही है, क्लियरिटी भी काफ़ी ज़बरदस्त है।
वो वाइड एंगल में हो गया। अब हम थोड़ा सा अल्ट्रा वाइड में चेक कर लेते हैं। तो अल्ट्रा वाइड में भी ज़बरदस्त है, आप देख सकते हो, जो कि मैंने आपको वाइड एंगल और अल्ट्रा वाइड एंगल में दोनों में फ़ोटो दिखा दिया, जो कि काफ़ी डिफरेंट है। अब हम थोड़ा सा इसकी इसमें एक चीज़ आपको और मिल जाएगा, जो कि 3.5 mm का जैक मिल जाएगा, जो कि आपको बहुत ही सूटेबल है। और इसमें जो एक सी टाइप का चार्जर दे रखा गया है, सी टाइप का भी वायर के साथ चार्ज, वायर के साथ चार्ज होता है, और जो काफ़ी फास्ट भी है। अगर हम बात करें इसकी जो OS की बात करते हैं, तो इसका जो एंड्रॉयड वर्जन 13 के साथ लॉन्च हुआ है, और आपका जो इसका म्यू है वो 14 है। अगर हम इसकी चिपसेट की बात करें, तो इसका मीडियाटेक G96 के साथ आता है। और अगर हम इसकी बैटरी की बात करें, तो बैटरी काफ़ी ज़बरदस्त है, जो कि बैटरी इसके 5000 mAh के साथ आता है। और इसका जो साइड में फिंगरप्रिंट दे रखा है, ये काफ़ी ज़बरदस्त है। और अगर हम इसमें फिंगर सेंसर की बात करें, तो इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर, फिंगरप्रिंट सेंसर एंड एक्सेलोमीटर और भी कुछ सेंसर दे रखे हैं, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।